हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक दो विंडोज़ को एक यूएसबी में कैसे कन्वर्ट करें। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम जैसे ही ओपन हो जाए तो यहाँ पर सर्च बार में आप लोगों ने लिखना है गूगल। गूगल गूगल लिखने के बाद यहाँ पर जैसे ही गूगल आ जाए तो आप लोगों ने फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर देने के बाद ये आप लोग का गूगल आ जाएगा। तो गूगल में आने के बाद आप लोगों ने सर्च करना है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक दो विंडोज़ को एक यूएसबी में कैसे कन्वर्ट करें। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम जैसे ही ओपन हो जाए तो यहाँ पर सर्च बार में आप लोगों ने लिखना है गूगल। गूगल लिखने के बाद यहाँ पर जैसे ही गूगल आ जाए तो आप लोगों ने फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर देने के बाद ये आप लोग का गूगल आ जाएगा। तो गूगल में आने के बाद गाइस डाउनलोड होने के बाद शो एंड फोल्डर में जाना है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है शो एंड फोल्डर ब्लू कलर से, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है शो एंड फोल्डर में। जैसे ही शो एंड फोल्डर में क्लिक करेंगे तो इसके बाद गाइस इसको इंस्टॉल करने के लिए राइट क्लिक, आप लोगों ने राइट क्लिक जैसे ही करेंगे उसके बाद आप लोगों ने राइट क्लिक के बाद ओपन पर क्लिक करना है। फर्स्ट जब तक मैं यहाँ पर अपने सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम को जैसे ही हम लोग ओपन कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है गूगल। जैसे ही गूगल ओपन होगा फर्स्ट वेबसाइट में जाना है आप लोग का। गूगल क्लियर ही ओपन हो जाएगा और यहाँ पर गूगल ओपन होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी 1.7 EXE, इस पर सर्च करना है। जैसे ही आप इसको ओपन कर दोगे इसके बाद ये ऐड को स्किप कर देने के बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन होगा। डाउनलोड पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और ये एक ऐड आएगा, इसको कैंसिल कर देना है। इसको कैंसिल करने के बाद आप लोगों ने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके और यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ओके कर गाइज ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब ये खुद उस विनजिप ऐप में कन्वर्ट हो जाती है। ये कन्वर्ट होती है जब तक हम इसको करते हैं ओपन। सो गाइज हमने इसके ऊपर कर दिया है ओपन के ऊपर। अभी ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। जैसे ये ओपन होती है ये खुद विनजिप ऐप के अंदर हो गई होती है। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है विनजिप सेटअप फ्रॉम यूएसबी, यही है वो। इसके बाद राइट क्लिक करने के बाद इसके ऊपर इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल कर देना है। एक्सट्रैक्ट फाइल करने के बाद
और ओके उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है और ये खुद अभी हो रही है, ये छोटी फाइल है, अभी ये खुद हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट हो चुकी अभी ये कन्वर्ट हो चुकी है। कन्वर्ट है। ऊपर ऊपर होने वाला के फोल्डर बाद है नहीं? ये सबसे ऊपर वाला ऐप फोल्डर है ये बन चुका है, इसको ओपन कर अभी लो। इसको ओपन करना है और उसके बाद विन सेटअप फ्रॉम USB 1.7 इसको ओपन करना है, और इसको ओपन करने के बाद गाइस इसके बाद हम लोग लैपटॉप में USB लगाएंगे। अभी लैपटॉप में USB लगाने के बाद बाकी ये काम होगा हमारा।
We'll be right back.
we do here is go back, 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 back. Oh,